दोस्तों यहाँ पर काफी सारे डिवाइस है इंडिया में जिनको MIUI 12 का अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पर और भी ऐसे डिवाइस है जिनको अभी तक MIUI 12 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला। दोस्तों यहाँ पर MIUI 12 का शेड्यूल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किन किन डिवाइस को अभी तक अपडेट मिल चुका है, जिनको नहीं मिला उनको कब तक देखने के लिए मिल जाएगा, तो हो सकता है आपका डिवाइस इसमें हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Note 8 Pro के बारे में। यहाँ पर फाइनली फुल रोल आउट हो चुका है Redmi Note 8 Pro के लिए। Redmi Note 9 Pro के बारे में अगर मैं बोलूँ दोस्तों, तो Redmi Note 9 Pro के लिए भी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका अपडेट। जिनको नहीं मिला उनको लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से डाउनलोड करके आप अपडेट कर सकते हो। दोस्तों यहां पर Redmi Note 9 Pro Max के बारे में अगर बात करूं, तो यहां पर भी ऑलमोस्ट काफी यूजर को देखने के लिए मिल चुका है। काफी हद तक कुछ यूजर रह गए होंगे जिनको शायद ही ये अपडेट देखने के लिए ना मिला हो। जिनको नहीं मिला तो उनको आने वाले नेक्स्ट 1 से 1.5 हफ्ते में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी यूजर को अपडेट देखने के लिए मिल चुका होगा। यहां पर दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं Redmi Note 7, 7S और Redmi Note 8 के बारे में। दोस्तों यहां पर इसके बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, और रही बात अपडेट की, तो आप लोग हमेशा से वेट करते आए और अभी भी वेट कर ही रहे हो अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर फिलहाल के लिए दोस्तों आप लोग को एक ही चीज बोल दूं, थोड़ा सा वेट करते रहिए, एनी टाइम आपको अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। कोई भी न्यूज आएगी तो मैं आपको जरूर वीडियो बनाकर बता दूंगा। इस साथ ही दोस्तों यहां पर Redmi Note 7 Pro के लिए भी फुल्ली रोल आउट हो चुका है। यहां पर सिर्फ 2 डिवाइस रह जाते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 7, 7S और Redmi Note 8। पता नहीं इनके लिए Xiaomi ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, यहां पर कोई भी अपडेट देता नहीं है इनके डिवाइस के लिए, खाली न्यूज आती है और कोई अपडेट देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहां पर भी दोस्तों इन डिवाइस के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो में बताने वाला हूं उनकी क्या अपडेट स्टेटस है, मतलब कब कहां तक ये अपडेट पहुंचा है, कब तक देखने के लिए मिल सकता है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दोस्तों यहां पर Redmi 7, Redmi 7A यहां पर अभी भी टेस्टिंग शुरू है, तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जैसी कोई न्यूज निकल के आएगी Redmi 7 सीरीज के लिए, जैसी कोई MIUI 12 अपडेट की डिटेल पता चलेगी, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा और दोस्तों यहां पर आपको अपडेट कर दूंगा। यहां पर आप लोगों को थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, आपको कम से कम November 1st week का तो वेट करना पड़ेगा, उस दौरान आपको शायद ये अपडेट देखने के लिए मिल जाए। यहां पर दोस्तों आप बात करते हैं Redmi 8 सीरीज की। दोस्तों यहां पर Redmi 8, Redmi 8A Duo इनके लिए भी अभी तक काफी सारे डिवाइस को MIUI 12 अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को बता दूं, Redmi 8A, Redmi 8A Duo इन पर अभी भी पायलट टेस्टिंग शुरू है, मतलब अभी भी काम चल रहा है, और जैसे ही यहां पर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कुछ ही दौरान अपडेट दे दिया जाएगा, यानी कि आपको कम से कम नवंबर में ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां पर अगर आप लोगों को डायरेक्ट बात बोलूं, तो यहां पर Redmi 7 सीरीज, Redmi 8 सीरीज के लिए आपको नवंबर में ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा, आपको अक्टूबर एंड से पहले कोई भी डिवाइस के लिए अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। कोई भी डिटेल निकल के आएगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। यहां पर अब बात कर लेते हैं Redmi 9 सीरीज के बारे में। दोस्तों यहां पर Redmi 9 सीरीज के लिए भी Redmi 9 Prime के लिए शायद कुछ यूजर को अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया था, बहुत ही कम यूजर को देखने के लिए मिला है। अगर आपको मिला है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि दोस्तों यहां पर अभी भी उस पर टेस्टिंग शुरू है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो धीमे धीमे करके ये सारे डिवाइस को रोल आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर बात करें Redmi 9 ग्लोबल यूजर के लिए, तो यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको अक्टूबर एंड या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में अपडेट जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपको अक्टूबर एंड तक कुछ यूजर को शायद अपडेट देखने के लिए मिल जाए Redmi 9 यूजर के ग्लोबल वर्जन के लिए। बात कर लेते हैं Poco सीरीज के बारे में। तो Poco सीरीज में सबसे पहले नाम आता है दोस्तों यहां पर Poco F1 का डिवाइस, तो यानी कि Poco F1 के लिए भी दोस्तों अभी भी काफी सारे यूजर है जिनको MIUI 12 अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, तो आप लोग को ये अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों यहां पर ग्लोबली भी काफी यूजर का अपडेट देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन इंडिया में भी काफी सारे यूजर है जिनको अपडेट नहीं मिला, तो आपको आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में अपडेट जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो कम से कम थोड़े दिन और वेट कीजिए, कम से कम 7, 8, 10 दिन वेट कीजिए, आपको उस दौरान Poco F1 के लिए भी MIUI 12 का अपडेट इंडिया में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर Poco M2 के बारे में आपको बता दूं, यहां पर Poco M2 के लिए भी कोई भी MIUI 12 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, आप लोग वेट कर रहे हो, तो आप लोगों को कब तक देखने के लिए मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। Poco M2 के लिए आपको एंड अक्टूबर तक वेट करना है दोस्तों, शायद ही आपको एंड अक्टूबर में इसका अपडेट देखने के लिए मिल जाए, अगर टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे इस पर काम कंप्लीट हो जाएगा तो Poco M2 के लिए भी आपको एंड अक्टूबर तक शायद कुछ यूजर को अपडेट देखने के लिए मिल जाए। अगर नहीं मिलता अपडेट तो आपको डायरेक्टली अपडेट नवंबर में ही देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कोई डिटेल पता चलेगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों यहां पर जितने Redmi Y2 यूजर है इंडिया में, यानी कि Y2 और बाहर आप लोग समझ सकते हैं Redmi S2, तो यहां पर आप लोग को बता दूं जो अपडेट आया था वो ग्लोबली वर्जन जो अपडेट देखने के लिए मिला था वो भी काफी यूजर को देखने के लिए नहीं मिला, मतलब बहुत से यूजर है जिनको अभी भी अपडेट देखने के लिए
नहीं मिला, तो यहाँ पर जितने भी Redmi Y2 के यूज़र हैं जिन्होंने अपडेट कर लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मिला तो आपको आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अपडेट ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको कम से कम 2 हफ्ता वेट करिए, आपको ये अपडेट ज़रूर देखने के मिल जाएगा जिनको नहीं मिला। और ये अपडेट आपको डायरेक्ट फुल्ली सबको रोल आउट कर दिया जाएगा, जितने भी यूज़र है सभी को ये अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा। दूसरे यहाँ पर रेडमी वाई थ्री का डिवाइस अगर आप लोग यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अपडेट के लिए और भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेडमी वाई थ्री के लिए आपको डायरेक्ट अक्टूबर में अपडेट नहीं मिलने वाला है, आपको डायरेक्ट नवंबर में ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा। नवंबर में कब तक, यहाँ पर कम से कम आपको मिड नवंबर या फिर एंड नवंबर तक वेट करना पड़ सकता है, शायद उससे पहले ये रिलीज हो जाए। अगर कोई भी डिटेल आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं है रेडमी वाई सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।